नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 9, और पाठ संख्या 9 का शीर्षक है जामुन का पेड़। तो चलिए आगे चलते हैं। चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, बरगद, आम, जामुन के वृक्ष बहुत घने वे फलदायक वृक्ष हैं। गर्मियों के दिनों में इन वृक्षों की छाया में बैठने से बहुत राहत मिलती है। क्या आप कभी इन वृक्षों की छाया में बैठे हैं? आपके घर के पास के पार्क में कौन कौन से छायादार वृक्ष लगे हुए हैं, उनके नाम बताओ। जामुन का पेड़ प्रसिद्ध कथाकार कृष्णचंद्र जी द्वारा लिखी गई एक हास्य व्यंग्य रचना है। इस कहानी में उन्होंने आज के सरकारी महकमों तथा उनकी कार्यशैली पर करारा व्यंग्य किया है कि सरकारी महकमों में काम को किस तरह लटकाया जाता है और उनकी कार्यशैली किस प्रकार की है, यही हम इस पाठ में देखेंगे। रात को जोर का झक्कड़ चला, सेक्रेटरिएट के लॉन का पेड़ गिर पड़ा। सुबह माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। झक्कड़ मतलब बहुत ज़्यादा तूफान आया, आंधी आई। माली दौड़कर चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़कर सुपरिटेंडेंट के पास गया, तो सभी लॉन में आ गए। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। मैं इसके फल झोली भर कर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे, तीसरा क्लर्क रुआसा होकर बोला। तो बच्चों, आप देख रहे हैं सरकारी महकमा है, लेकिन सबको उस आदमी की परवाह नहीं हो रही जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है। किस चीज़ की परवाह हो रही है? जामुन के पेड़ की। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की ओर इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। मर गया होगा, जिसकी पीठ पर इतना भारी पेड़ गिरा वह कैसे बच सकता है। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबा हुआ आदमी कराह कर बोला। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल है? माली बोला, बस सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें, हम सभी मिलकर इस आदमी को निकाल सकते हैं। हाँ, हम लोग तैयार हैं, ठहरो। तभी सुपरिटेंडेंट बोला, मुझे अंडर सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा। देखिए बच्चों, सरकारी महकमों में किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं कि एक आदमी को जो कि एक पेड़ के नीचे दबा पड़ा है, उसे निकालने के लिए भी सुपरिटेंडेंट कह रहा है कि मुझे अंडर सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया और वो आदमी पेड़ के नीचे ही दबा हुआ था। दोपहर के खाने पर दबे आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते हैं, हम लोग व्यापार विभाग के हैं और यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग को गुस्सा आ गया, उन्होंने फाइल व्यापार विभाग के पास वापस भेज दी कि यह समस्या सुलझाना उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों की नहीं। तो बच्चों, कृषि विभाग ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही।
फिर शाम को जवाब आया कि मामला हम लोग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, अतः यह मामला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था, लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई, सो उसने दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ ना बोला। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बड़ा व्यंग्यपूर्ण जवाब आया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने लिखा था, आश्चर्य है, हम लोग पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं और हमारे देश के सरकारी अफसर पेड़ काटने का सुझाव दे रहे हैं, वह भी फलदार जामुन के पेड़ को। हमारा सरकारी विभाग वृक्ष काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए, एक मन चले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल दिया जाए। यह सुनकर दबा हुआ आदमी बोला, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला, लेकिन उस मनचले ने कहा, आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है, मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो इसे फिर से जोड़ा जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है बच्चों? नहीं, लेकिन ये एक हास्य व्यंग है और यहाँ सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली दिखाई जा रही है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। उसने योग्य प्लास्टिक सर्जन को छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह जांच करके रिपोर्ट भेजी कि ऑपरेशन तो हो सकता है, ऑपरेशन सफल भी हो सकता है, लेकिन आदमी मर सकता है, इसलिए यह फैसला रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी खिलाते हुए बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर बोला, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली चकित होकर बोला, क्या तुम शायर हो? हाँ, आदमी बोला। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को। थोड़ी देर में यह खबर चारों ओर फैल गई। शाम होते होते सेक्रेटरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन सा वातावरण हो गया। यह सूचना सेक्रेटरिएट तक पहुंची तो कमेटी ने फैसला लिया, चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसीलिए इस फाइल का संबंध कल्चरल डिपार्टमेंट से है। अब फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के पास पहुंचा दी गई। वहां अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। वह तुरंत दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंच गया। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ। किस उपनाम से शोभित हो? जो बच्चों कवि होते हैं उनका कोई ना कोई उपनाम भी होता है। ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या वही ओस हो जिनका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक, हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसे भूल हो गई हमसे, इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे यहाँ से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ, सेक्रेटरी फौरन बोला। उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी आया और उस आदमी से बोला, चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, जो हम कर सकते थे हमने कर दिया, और यदि तुम मर जाओ
तो तुम्हारे घर वालों को वजीफा दे सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, कवि बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सेक्रेटरी बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला है, कलम दवात से नहीं आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिखकर भेज दिया है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। अब दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, कल तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश से हुक्म आया था कि पेड़ को ना काटा जाए। अंडर सेक्रेटरी को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आए हैं, आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा, जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल उसके पास लेकर पहुंचा और खुशी से चिल्लाया, सुनते हो, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है, कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चीटियों की लंबी पांत उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी। यदि सरकारी कर्मचारी चाहते तो उसी समय जिस समय वह पेड़ के नीचे दबा हुआ पाया गया था उसे वहां से निकाल सकते थे, लेकिन सरकारी महकमों और सरकारी कर्मचारियों की जो कार्यशैली यहाँ दिखाई गई है वह बहुत ही दयनीय है। तो बच्चों, यहाँ दिए हुए हैं कठिन शब्द जिन्हें आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखना है। झक्कड़, सेक्रेटरियट, लॉन, क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, रुआसा, ताज्जुब, हुक्म, डिप्टी, सेक्रेटरी, हार्टिकल्चर, व्यंग्यपूर्ण, सर्जरी, छानबीन, संबंध, उपनाम, शोभित, संग्रह, प्रकाशित और स्वास्थ्य। आगे चलते हैं, शब्दार्थ हैं बच्चों जो आप याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखेंगे। लॉन का अर्थ है बाड़ या बगीचा। जवाब, उत्तर, माली, बाग लगाने वाला, फलदार, फलयुक्त, फलदायक, भीड़ इकट्ठी होना, जमा होना, मामला, बात, ताज्जुब, आश्चर्य, इजाजत, अनुमति, सुझाव, प्रस्ताव, एक्शन, गतिविधि, कार्यवाही, हुक्म, आदेश, फैसला, निर्णय, ठहरो, रुको, उपनाम, उर्फ, व्यापार विभाग, बिजनेस, बंदोबस्त, समझौता, समाधान, अर्जेंट, तुरंत या अति आवश्यक, वजीफा, निवृत्ति वेतन या पेंशन, मार्क, चिन्ह, जीवित, जिंदा, सजीव, हटाना, अलग करना, संबंधित, संबद्ध, समस्या, मसला, विदेश, परदेश, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व या जवाबदेही, स्वीकार, मानना, निर्जीव, मृत। तो बच्चों, आप इसे याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखेंगे। तो हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पाठ की। बताओ क्या पढ़ा, व्यक्ति कौन से पेड़ के नीचे दबा था, व्यक्ति जामुन के पेड़ के नीचे दबा था, पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति कौन था, पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति शायर था, माली ने दबे हुए आदमी को क्या क्या खिलाया, माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात और खिचड़ी खिलाई, दबे हुए व्यक्ति ने क्या कहा जिससे माली ने उसे शायर कहा,
दबे हुए व्यक्ति ने एक शेर कहा, जिसे सुनकर माली ने उसे शायर कहा। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। जामुन का पेड़ कहानी किसके द्वारा रचित है? कृष्ण चंद्र के द्वारा रचित है। पेड़ किस विभाग से संबंधित था? पेड़ कृषि विभाग से संबंधित था। पेड़ आदमी के शरीर के किस हिस्से पर गिरा था? पेड़ आदमी के पीठ पर गिरा था। कवि के मर जाने के बाद किसे वजीफा दिया जा सकता था? कवि के घर वालों को। पेड़ काटने का अंतिम आदेश दिया प्रधानमंत्री ने। आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई, सुपरिटेंडेंट ने बताया। तो आप मेरे साथ ही इसे अपनी किताब में करते चले जाएं। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पेड़ के नीचे आदमी दबा पड़ा है। मिंटो में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई। हाँ, हम लोग तैयार हैं। यह मामला हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है। हमारा सरकारी विभाग वृक्ष काटने की इजाजत नहीं देता। किसने कहा? प्रश्न नंबर 4 है, किसने कहा? जामुन का पेड़ कितना फलदार था? क्लर्क ने। मुश्किल है, माली ने। अब क्या किया जाए? एक मनचले ने। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, ये कहा था दबे हुए आदमी ने। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, उचित मिलान करो। सेक्रेटरियट लॉन, जामुन का पेड़ फलदार था, दबा हुआ व्यक्ति शायर था, हॉर्टिकल्चर विभाग बागवानी, और वन विभाग क्या करता है? वन्य प्राणियों की सुरक्षा। सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाओ। लॉन में आम का वृक्ष लगा था? नहीं, लॉन में जामुन का वृक्ष लगा था। चपरासी दौड़कर सुपरिटेंडेंट के पास गया? नहीं, चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास गया। कवि के जीवन की फाइल खत्म हो गई? सही। आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है? सही। दबा हुआ आदमी शायर निकला? जी हाँ, वह शायर था। सही। दबे हुए आदमी को सकुशल पेड़ के नीचे से निकाल लिया गया? नहीं, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। जामुन का पेड़ पाठ में कितने विभागों की चर्चा की गई है? जामुन का पेड़ पाठ में अनेक विभागों की चर्चा की गई है, जिसमें हैं व्यापार विभाग, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, साहित्य अकादमी, कल्चरल विभाग, मेडिकल डिपार्टमेंट, विदेश विभाग, वन्य विभाग आदि। कृषि विभाग ने जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति का मामला बागवानी विभाग को भेजने के लिए क्यों कहा? कृषि विभाग ने जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति का मामला बागवानी विभाग को भेजने के लिए इसीलिए कहा कि यह हमारा उनका मामला नहीं है, यह बागवानी विभाग को ही देखना होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पेड़ के नीचे दबे आदमी का उपनाम क्या था? पेड़ के नीचे दबे आदमी का उपनाम ओस था। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का क्या जवाब आया? तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जवाब आया कि हम तो पेड़ लगाने वाला विभाग है और हमारे सरकारी अफसर, हमारे देश के सरकारी अफसर हमसे पेड़ काटने की बात कर रहे हैं, जो यहाँ नहीं हो सकता है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर है बात भाषा की। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली में शायर जमा होने शुरू हो गए। यह एक संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें दो स्वतंत्र वाक्यों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द और से जोड़ा गया है।
यहाँ आया है ना, और देखिए तो संयुक्त वाक्यों को इस प्रकार सरल वाक्य में बदला जा सकता है। इसकी चर्चा शहर में फैलते ही शाम तक गली गली में शायर जमा होने शुरू हो गए। ये दोनों वाक्य बिल्कुल समान अर्थ के हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें सरल किया गया है। यहाँ और का प्रयोग किया गया था, समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द का, और इस वाक्य में उसे हटाकर इसे सरल वाक्य में बदला गया है। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।